हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। जैसे इंडिया के अंदर अभी आप देख रहे हो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने इम्यून सिस्टम को स्टेबल रखिए, इम्यून सिस्टम को बरकरार रखिए। थैंक यू फ्रेंड। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट आर रेस्पिरेशन इन एनिमल। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, पिछले वीडियो के अंदर हमने रेस्पिरेशन एनिमल के अंदर ख़त्म कर लिया था। लंग्स की स्ट्रक्चर देख ली थी, क्या क्या ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते जो रेस्पिरेशन करें, जैसे एनिमल्स के अंदर होते हैं। प्लांट्स में सिंपल डिफ्यूजन मेथड होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। इन प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस फ्रॉम लीव्स, स्टेम, रूट्स इंडिविजुअली। ओके, तो प्लांट्स के अंदर सिंपल गैसेस एक्सचेंज होता है, वो रूट से भी हो सकता है, वो स्टेम से भी हो सकता है और वो लीव से भी हो सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इज़ वेरी लेस, बहुत कम होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट अक्कर बाई सिंपल डिफ्यूजन मैथड। एम सी क्यू क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल डिफ्यूजन मेथड से प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन रूट्स। तो एक डायग्राम बनाया मैंने, इस डायग्राम के अंदर देखते हैं किस प्रकार से रूट के अंदर रेस्पिरेशन होता है। रूट्स के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है, रूट हेयर। ओके, रूट हेयर कहाँ पाए जाते हैं? रूट फोर रीजन के अंदर बटा होता है, रूट कैप रीजन, सेल, रूट मेरिस्टमेटिक जोन, एलोंगेशन जोन और मैचुरेशन जोन। जो मैचुरेशन जोन होता है रूट का, वहाँ से क्या निकलते हैं? रूट हेयर्स निकलते हैं। और ये रूट हेयर्स क्या होते हैं? पिनिट्रेट करते हैं किसको? ये जो सॉयल पार्टिकल्स है, इन सॉयल पार्टिकल्स के अंदर ये चले जाते हैं और यहाँ से ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन का, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच बीच में एयर स्पेसेस पाए जाते हैं और इन एयर स्पेसेस मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर यहाँ हाई होगी तो ये कहाँ मूव कर जाएगी? रूट हेयर के अंदर कर जाएगी। सिंपल डिफ्यूजन मेथड में क्या था? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा? रूट हेयर। रूट हेयर से किस में चला जाएगा? एपिडर्मल सेल के अंदर जाके पूरी रूट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऑक्सीजन। तो रूट के अंदर सिंपल गैसियस एक्सचेंज होता है। आगे देखते हैं, इन यंग रूट्स द एपिडर्मल सेल्स आर एक्सटेंडेड टू फॉर्म रूट हेयर, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स क्या होती है? एक्सटेंड हो जाती है और क्या बनाती है? रूट हेयर बनाती है। जो एपिडर्मल सेल होती है रूट की, उनको एपिब्लेमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा। दीज रूट हेयर्स रिमेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉयल पार्टिकल। जैसा हमने अभी डायग्राम के अंदर देखा था, सॉयल पार्टिकल के बीच बीच में एयर स्पेस होते हैं और वहाँ पर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। द ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एयर एंटर्स इन टू द रूट हेयर बाई सिंपल डिफ्यूजन मैथड, ओके, एंड रीचेज टू द अदर सेल्स ऑफ रूट फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ से अदर सेल के अंदर पहुँच जाती है, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। इन ओल्डर रूट्स ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ डेड सेल्स इज प्रेजेंट विच हैव टाइनी ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स, ठीक है। जो ओल्ड रूट्स होती है, ठीक है, ब्रॉड रूट जड़े होती है, उनके अंदर क्या होते हैं? लेंटिकल्स पाए जाते हैं। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस थ्रू दीज पोर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट थ्रू द सेम। इन पोर्स से क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है? बाहर निकलती है, रिलीज्ड हो जाती है। सेकेंड, रेस्पिरेशन इन स्टेम। इन हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस प्लांट मीन्स ग्रीन प्लांट, जैसे हर्ब्स, शर्ब्स होती है, झाड़ियाँ होती है, छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, उनको बोलते हैं हर्बेशियस प्लांट। ग्रीन कलर के, यानी इनके स्टेम भी ग्रीन होता है और लीव भी ग्रीन होती है। स्टेम्स हैव स्मॉल ओपनिंग इन देयर एपिडर्मल सेल कॉल्ड एज स्टोमेटा। ओके, द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेम। इन स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। ये सिर्फ हर्बेसियस प्लांट के अंदर होता है, जो ग्रीन इन कलर होते हैं, जैसे शर्ब्स हो गई, हर्ब्स हो गई। लेकिन जो वुडी ट्रीज होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा नहीं होते स्टेम के अंदर, ठीक है, वो आगे देखते हैं हमने।
In hard and woody stem of big plant and trees, lenticles are present in place of stomata. यानी stomata की जगह क्या आ जाते हैं वहाँ पे? Lenticles आ जाते हैं. Through which exchange of gases take place. ठीक है? As comparison to stem and roots, leaves के अंदर ज़्यादा gaseous exchange होता है. Okay? Stem के अंदर lenticles के through भी gaseous exchange होता रहता है, लेकिन ये बहुत less amount के अंदर होता है. हाई अमाउंट के अंदर गैसीय एक्सचेंज कहाँ से होता है? लीफ के थ्रू होता है. अब अपने देखते हैं स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर क्या होती है और कैसे इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है. अब ये मैंने एक सिंपल डायग्राम दिया है, एक तरफ मैंने दिखाया ओपन स्टोमेटा जिसमें स्टोमेटा ओपन है, और एक तरफ मैंने दिखाया क्लोज स्टोमेटा. ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है, एक पोर होती है ये वाली, ये एक पोर है, इसको घेरे हुए दो सेल्स होती है जिनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स. ओके, इन गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और इनको घेरे हुए ये सेल्स पाई जाती है, इनको सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं. अभी जब इसका मैग्नीफाइड देखेंगे अपने, जब माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं स्टोमेटा तो कैसे दिखते हैं ये, कैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है और ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम इनकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाती है. ठीक है, वो अभी अपने देखेंगे, पहले इसके अंदर देखते हैं ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा. सिंपल स्ट्रक्चर दी है मैंने, अब देखते हैं माइक्रोस्कोप में जब इनकी स्टडी करते हैं तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखती है. ये देखिए, ये एक ओपन स्टोमेटा दिस वन, और ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा. ठीक है, अब स्टोमेटा के अंदर देखो, ये बाहर जो अंदर जो सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स. ठीक है, अब इन गार्ड सेल्स के अंदर ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट. ये जो मैंने राउंड राउंड शेप दिखाई है इनको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट. ओके, अब जो ओपनिंग होता है, ये देखिए, ये पोर क्या होता है, खुला हुआ. अब इन गार्ड सेल को कौन घेरे रखता है, सब्सिडरी सेल्स. कौन घेरे हुए, सब्सिडरी सेल्स. और जो आउटर वॉल होती है इसकी, किसकी, गार्ड सेल की, वो थिन वॉल्ड होती है. और जो इनर वॉल होती है वो क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है. जब स्टोमेटा क्लोज होता है ये थिक हो जाती है, और ज़्यादा थिक हो जाती है. ठीक है, तो ये तो क्या, ओपन स्टोमेटा, और ये वाले क्या, क्लोज स्टोमेटा. ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं रेस्पिरेशन इन लीव्स. यहाँ स्टोमेटा नंबर ज़्यादा होते हैं, अपर सरफेस पे कम होते हैं, लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं. कुछ लीव्स ऐसी होती है जिनके अंदर दोनों सरफेस पर इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं. अब स्टोमेटा के नंबर के अकॉर्डिंग लीव्स अलग अलग टाइप की होती है, जैसे आइसोबाइलेटरल लीव होती है, डोर्सी वेंट्रल लीव होती है, डोर्सल लीव होती है, वेंट्रल लीव होती है, इस टाइप्स की लीव होती है. सरफेस ऑफ लीव्स पॉसेस नम न्यूमेरस टाइनी पोर्स कॉल्ड एज स्टोमेटा. इन दियर एपिडर्मल सेल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, एंड व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन सेल इंक्रीजेज, स्टोमेटा ओपन एंड CO2 इज रिलीज्ड आउट. ओके, जब सेल के अंदर कंसंट्रेशन किसकी बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो उस टाइम क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और जैसे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज डिक्रीजेस तो स्टोमेटा क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं. और नॉर्मल जो स्टोमेटा होते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है, दिन में खुलते हैं और रात को क्या होते हैं, बंद रहते हैं. ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं लेकिन वो आप 11th बायोलॉजी मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ोगे, आपने 10th स्टैंडर्ड में इतना डीपली स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को. अपने नॉर्मल देखते हैं, बट ये स्टोमेटा ओपनिंग कैसी होती है और क्लोजिंग कैसी होती है. एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट प्लांट्स टेक ऑक्सीजन एंड इवोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन. अब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने देखते हैं किस प्रकार से होता है. अब मैंने एक ऑपरेटर सेट किया एक डायग्राम में. इस डायग्राम के अंदर आप देखोगे मैं एक यू शेप, ठीक है, एक यू शेप ले लेते हैं और दो अपने बॉटल लेते हैं. ठीक है, ब्रॉड बेस बॉटल लेते हैं, इनका एपेक्स भी क्या था, सेम होता है. और एक जार के अंदर, बेल जार के अंदर मैंने एक प्लांट, प्लॉटेड प्लांट लगाया. ठीक है, एक प्लांट, और इस सेकंड ट्यूब से मैंने बाहर निकाला जिसको बोलते हैं एस्पिरेटर, एस्पायरेटर. ठीक है, एस्पायरेटर को यहाँ से क्या होता है, एक नली निकली होती है, टैप निकला होता है, इससे जिसको खोलते हैं तो वाटर बाहर निकलता है. अब अपने कैसे मेज़र करेंगे भी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो यू शेप फनल है इसके अंदर मैंने लिया कास्टिक पोटास. कास्टिक पोटास को बोलते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया और
जो ये ट्यूब्स है, फर्स्ट नंबर ट्यूब और सेकंड नंबर ट्यूब, इन दोनों के अंदर मैंने लिया लाइम वाटर, ठीक है, इनके अंदर मैंने लिया लाइम वाटर और इनको आपस में एसोसिएट कर दिया या जोड़ दिया इन नलियों के थ्रू, इन ट्यूब्स के थ्रू। अब अपने कैसे पता चलाएंगे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, कैसे पता चलेगा। और ये जो मैंने जार लिया, बैल जार, जिसके अंदर मैंने प्लांट लगाया, इसको ब्लैक क्लॉथ से ढक देते हैं, दिन के समय इसको ब्लैक क्लॉथ से ढक देते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, लाइट की जो वेव, लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो फोटोसिंथेसिस होगा यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ब्लैक क्लॉथ से इसको ढक देते हैं। अब प्रैक्टिकल का एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं, जब मैं इस टैप को खोलता हूँ तो पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो सभी पे प्रेशर पड़ेगा, तो ये एयर क्या होगी, अंदर जाएगी। जब ये एयर अंदर जाती है, KOH के कॉन्टैक्ट में आती है, तो KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब अगर जैसे ही यहाँ आएगी, अब ये जो एयर यहाँ पहुँचेगी तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे ही ये एयर कहाँ पहुँचेगी, फर्स्ट ट्यूब के अंदर पहुँचेगी, लाइम वाटर के अंदर, तो लाइम वाटर का कलर चेंज नहीं होता, वैसा ही पड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये एयर कहाँ आएगी, इस बेल जार के अंदर जहाँ पे प्लांट लगा हुआ, इसके अंदर पहुँचेगी और यहाँ से फिर सप्लाई होगी सेकेंड बॉटल के अंदर, जिसमें मैंने फिर से क्या लिया हुआ, लाइम वाटर। अब इस लाइम वाटर जैसे ही एयर पहुँचेगी, तो ये लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक है, मिल्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, मिल्की हो जाएगा। मिल्की होने का मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई है, इवॉल्व हुई है, यानी प्लांट ने रेस्पिरेशन में क्या इवॉल्व किया, कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व किया। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता लग जाता है अभी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में क्या होती है, इवॉल्व होती है। अब इस प्रैक्टिकल की थ्योरी देखते हैं, एक्सपेरिमेंट की कैसी होती है। टू डेमोस्ट्रेट द प्लांट्स टेक ऑक्सीजन एंड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सेट द ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू फिगर by taking KOH, caustic potash, in U2, lime water in two wild mouth bottles, one potted plant, bell jar and black cloth. During daytime, the potted plant is covered with black cloth to check photosynthesis. Make the apparatus airtight and start the aspirator. ठीक है, airtight कर देते हैं ताकि बाहर से कोई air ना आ जाए इनके ऊपर, cork लगा देते हैं हर bottle के ऊपर। After some time, you will find that lime water of second bottle turned milky. Second bottle, not first bottle. The explanation for this is that when the water comes out from aspirator, the atmospheric air enters into the apparatus through the second and passes through the U-tube containing KOH into the tube containing lime water. Okay. The caustic potash KOH, potassium hydroxide, absorbed carbon dioxide of the air, thus carbon dioxide free air reaches into lime water, so it does not turn milky. Carbon dioxide hai hi nahi, to uska color kya hoga, waisa hi rahega. When this air reaches into the lime water of second tube through a bile jar having potted plant covered with black cloth to check photosynthesis, it turned milky. Okay. It proved that carbon dioxide is evolved during respiration. आ गया समझ, ये एक्सपेरिमेंट सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है रेस्पिरेशन के थ्रू। तो ये बात होगी रेस्पिरेशन इन प्लांट, बिल्कुल सिंपल टाइप का होता है। तीनों के अंदर देखना हमने, रूट के अंदर, स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर। तो लीव्स के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है स्टोमेटा, जिसके थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता रहता है। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर आपने देख ली, एक गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल को कवर कौन करता है, सब्सिडरी सेल करती है। गार्ड सेल के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है गार्ड सेल में, तो स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, तो स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ओके बेटा, थर्ड देखते हैं। फर्स्ट टाइप रेस्पिरेशन अपने पढ़ा था, रेस्पिरेशन इन एनिमल। सेकंड टाइप पढ़ा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नाउ वी स्टडी अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? अब देखिए, तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है, जब अपने पढ़ा था एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन, तो एनिमल के अंदर मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को करवाया था। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैंने बताया था, जब अपने इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो वो ऑक्सीजन नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से कहाँ जाती है, नेजल कैविटी।
नेजल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाई या ब्रोंकस के अंदर, जो नो ब्रोंकस कहाँ खुलती है, लंग्स के अंदर खुलती है, और लंग्स के अंदर खुलने के बाद ये फर्दर डिवाइड होती रहती है, प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्शरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई। और टर्शरी ब्रोंकाई किस में खुलती है, ब्रोंक्योल्स के अंदर खुलती है, और ब्रोंक्योल्स किस में खुलती है, एल्वियोलाई के अंदर खुलती है या एल्वियोलर सैक के अंदर खुलती है, और एल्वियोलर सैक की सरफेस के ऊपर कैपिलरीज पाई जाती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँचा दी अपने, कैपिलरीज के पास पहुँचा दी। अब ये कैपिलरीज ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाएगी, टिश्यूज़ के अंदर लेके जाएगी, और टिश्यूज़ 9th चैप्टर में आप पढ़ा था क्या होता है टिश्यू, टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल, ओके, टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल। अब टिश्यू के अंदर क्या होती है, बहुत सारी सेल होती है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँच रही है, किसके अंदर पहुँच रही है, सेल के अंदर पहुँच रही है। तो सेल के अंदर पहुँचने के बाद थर्ड रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ओके, लेट वी स्टार्ट सेलुलर रेस्पिरेशन। इट रेफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। एज दिस प्रोसेस इज एट सेलुलर लेवल, सो इट इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर सेल लेवल पे होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। इट टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप्स, ये तीन स्टेप के अंदर होता है। फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसकी अपनी स्टडी कर चुके हैं पहले, लेकिन इसके अंदर थोड़ा ब्रीफली देखेंगे व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड क्रेब्स साइकिल, एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। थर्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सेकेंड स्टेप क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच के अंदर भी एक साइकिल होता है। साइकिल तो क्या, एक लीनियर इक्वेशन होती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, वो अभी स्टडी करेंगे। खैर, क्रेब साइकिल के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। कैसे होता है, देखिए, अब अपने फोटोसिंथेसिस के थ्रू या कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी के अंदर है वो टूट चुका है ग्लूकोज के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग डाइजेशन में किस में चेंज हुआ, ग्लूकोज के अंदर। अब इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसके थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, और दो मोल किसके बनते हैं, पाइरविक एसिड के। ये पीछे डिस्कस किया था पिछले वीडियो के अंदर हमने, पायरिक एसिड के दो मोल बनते हैं। अगर पायरिक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर क्रेब्स साइकिल में चला जाता है तो वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनाता है। बहुत हाई अमाउंट के अंदर एटीपी बनती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से। कितनी एटीपी बन रही है, 38 एटीपी। ठीक है, और एक एटीपी के अंदर आप देखोगे तो कितने, एक एटीपी के अंदर, इन वन एटीपी 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। कितनी होती है, 7.3 किलो कैलोरी। तो एक एटीपी में इतनी है, तो 38 एटीपी में कितनी होगी, उतनी एनर्जी अपने को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से मिल रही है। ठीक है, अब अपने डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉमन पाथवे। ये अपने डिस्कस कर चुके हैं, क्यों इसको कॉमन पाथवे बोलते हैं, क्योंकि एक एनारोबिक और एरोबिक दोनों के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस का कोई लेना देना नहीं होता, ये दोनों के अंदर होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता ही है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉमन पाथवे और ईएमपी पाथवे। इसको ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि थ्री साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, एम्डन, मेयरहॉफ एंड पार्नस, तो इसको क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे। इसकी साइट क्या होती है, ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। इन दिस साइकिल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इंटू पायरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मैनी एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स। बहुत ज़्यादा एंजाइम्स और को एंजाइम्स वर्क करते हैं। ये 10 स्टेप मेथड होता है या साइकिल होता है। ठीक है, 10 स्टेप होते हैं इसके अंदर टोटल, ग्लूकोज से पायरिक एसिड बनने के बीच में कितने स्टेप आते हैं, 10 स्टेप आते हैं। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव राइज टू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरिक एसिड, कितने मॉलिक्यूल देता है, दो मॉलिक्यूल। इन दिस प्रोसेस फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म्ड, अमंग देम टू एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड, थस नेट गेन ऑफ एटीपी इज टू मॉलिक्यूल। यानी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर टोटल कितनी एटीपी बनती है, फोर मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं, लेकिन दो एटीपी कहाँ यूज़ हो जाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर। इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए, इस एनर्जी के लिए दो एटीपी क्या हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं। टू एनएडीपी, एनएडीपी फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट।
मॉलिक्यूल रिड्यूस टू NADPH2, यानी जब इससे प्रोटॉन बाइंड हो जाता है, विच लेटर प्रोड्यूस 6 ATP मॉलिक्यूल। NADPH क्या होता है, कोएंजाइम की तरह वर्क करता है, ये प्रोटॉन को क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस से लेके जाता है, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर लेके जाता है, ठीक है, जहाँ वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब देखते हैं तो एक NADPH2 से कितनी ATP बनती है, 3 ATP बनती है टोटल, ठीक है, एक NADPH2 से कितनी बन रही है, 3 ATP, तो यहाँ दो बना रहे हैं तो दो का मतलब यहाँ कितनी होगी, 6 ATP मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं होता है। आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस पायरिक एसिड इज कन्वर्टेड इंटू एसिटाइल को एंजाइम ए, ये मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था, किस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि पायरिक एसिड डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर नहीं कर सकता, इसको कोई ना कोई व्हीकल चाहिए या कोई ना कोई को एंजाइम चाहिए जो इसको लेकर जाए। तो एसिटाइल को सबसे पहले पायरिक एसिड किस में चेंज होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज होता है विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जब पायरिक एसिड चेंज होता है किसमें, एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है, जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ जाकर ये क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है ऑफ द सेल। बिसाइड दिस 6 ATP ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग दिस स्टेप, यहाँ 6 ATP मॉलिक्यूल और बनते हैं, 6 ATP डायरेक्ट नहीं बनते, यहाँ पे 2 NADH2 बनता है, 2 NADH2 एंड DPH2, ओके, सॉरी फ्रेंड फॉर इंटरप्ट यू। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस क्रैब साइकिल, डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रैब, इसको किसने डिस्कवर किया था, सर हैंस क्रैब ने किया था, इसलिए इस साइकिल का क्या नाम रख दिया, क्रैब साइकिल। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होता है ये, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर, और क्रैब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होता है। और जो क्रैब साइकिल के जितने भी एंजाइम होते हैं, जितने भी क्रैब साइकिल के अंदर वर्क करते हैं एंजाइम, उनमें से सिर्फ एक एंजाइम ऐसा होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से आता है, बाकी सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर ही होते हैं, और वो एंजाइम होता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। सिर्फ एक ही एंजाइम ऐसा है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से आता है, बाकी जितने भी एंजाइम हैं जो इन्वॉल्व हैं किसके अंदर, क्रैब साइकिल के अंदर, वो सभी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही पाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एरोबिक ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एरोबिक ऑक्सीडेशन। अनदर नेम TCA साइकिल, इसको TCA साइकिल बोलते हैं क्योंकि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि या इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, बिकॉज फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है क्रैब साइकिल का वो क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इसको TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। इट ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ पायरिक एसिड फैट्स अमीनो एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाय ऑक्सीडेशन। इट इज़ द कॉमन पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन। इट स्टार्ट विद एसिटाइल कोएंजाइम ए विच इज देन कन्वर्टेड इनटू सेवरल इंटरमीडिएट कंपाउंड विद द रिलीज ऑफ NADPH2, FADH2, ATP, हाइड्रोजन एटम्स एंड देन एसिटाइल कोएंजाइम रीजनरेट बैक, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स साइकिल होता है ये, कितने स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, लगभग 10 स्टेप इसी के अंदर भी होते हैं, और बहुत सारे एंजाइम इसके अंदर वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन दिस हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस इंटरमीडिएट ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल आर फर्स्ट ब्रोकन इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दीज प्रोटॉन आर इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर पासिंग थ्रू ए सीरीज ऑफ कोएंजाइम एंड
साइटोक्रोम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल. ओके, ड्यूरिंग दिस सीरीज ऑफ इवेंट वन NADPH टू रिलीज 3 ATP मॉलिक्यूल एंड वन FADH टू गिव राइज 2 ATP मॉलिक्यूल विच वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस. नाउ वी डिस्कस टोटल नेट गेन ऑफ समरी ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन. द नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज 38 ATP मॉलिक्यूल. अमंग दैम 8 ATP फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस. ओके, यहाँ से 2 ATP तो सीधे ही बन रहे थे, लेकिन 2 NADPH2 भी बन रहे थे. तो ये 2 NADPH2 भी क्या दे रहे हैं, 3 ATP, 1 NADPH2 एक 3 ATP देता है, 3 + 3 = 6 और + 2 8 ATP मॉलिक्यूल आ गया यहाँ से. 6 ATP फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ पायरिक एसिड इंटू एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में 6 ATP बन रहे हैं. एंड 24 ATP फ्रॉम क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल से ज़्यादा ATP बन रही है. ओके, बिसाइड दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O आर ऑल्सो रिलीज्ड. साथ साथ में क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बन रहे हैं. ठीक है, तो टोटल कितनी ATP बनती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP की फॉर्मेशन होती है. ओके फ्रेंड, तो आज हमने डिस्कस किया रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ओके, लीफ के रूट के अंदर, स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर, और अपने स्टडी की स्टोमेटा की स्ट्रक्चर की, कैसे होता है स्टोमेटा, ओपनिंग क्या होती है और क्लोजिंग क्या होती है. एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू हमने सीखा कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है रेस्पिरेशन के अंदर. उसके बाद हमने डिस्कस किया सेलुलर रेस्पिरेशन, 3 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके फ्रेंड, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने स्टडी करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर ऑल्सो. ओके फ्रेंड, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक माई वीडियोज़ फॉर फर्दर न्यू वीडियोज़. थैंक यू फ्रेंड.